वहीं फिरोजाबाद में विश्व गुर्दा दिवस के मौके पर 13 मार्च को गुर्दा रोगियों के लिए निःशुल्क कैंप वहीं फिरोजाबाद में विश्व गुर्दा दिवस के मौके पर 13 मार्च को गुर्दा रोगियों के लिए निःशुल्क कैंप का आयोजन किया जा रहा है। गुर्दा रोग विशेषज्ञ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर मुदित खुराना ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर गुर्दे की बीमारियों का इलाज दवाइयों द्वारा ही संभव है, डायलिसिस की जरूरत भी बहुत कम मरीजों को पड़ती है। इस मौके पर डॉक्टर पूनम अग्रवाल ने बताया कि 13 मार्च को सुबह 9 बजे से निःशुल्क गुर्दा रोग कैंप का आयोजन होगा। सभी गुर्दा रोगी निःशुल्क दिखाने के अलावा खून जांच ईसीजी भी निःशुल्क होगा। देखिए क्या है कि किडनी की बीमारी जो है, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसको हम बोलते हैं, जो कि के मोस्ट कॉमन सबसे आम पाई जाने वाली बीमारी है, उसके साथ परेशानी ये है कि बीमारी तभी पकड़ में आती है जब ये अपने आखिरी चरण में होती है, क्योंकि इसके लक्षण तभी आते हैं जब ये अपने आखिरी चरण में पहुंचती है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो ये है कि आपको अपना टेस्ट कराना पड़ेगा। जिन जिन मरीजों को ये बीमारी होने की, जिन जिन लोगों को ये बीमारी होने की संभावना है, जैसे कि शुगर के मरीज, जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या किसी व्यक्ति के परिवार में किसी को किडनी की परेशानी हुई हो, तो उनको अपना किडनी संबंधित टेस्ट साल में एक बार कम से कम कराना चाहिए। देखिए ये प्रेस वार्ता हमने, ये वाला जो वीक होता है मार्च का सेकेंड वीक, ये विश्व गुर्दा दिवस के रूप में मनाया जाता है या हफ्ता के रूप में मनाया जाता है, जिसमें इस वजह से हमारे यहाँ प्रति रविवार को गुर्दा रोग से संबंधित बीमारियों की हमेशा काफ़ी समय से जांच और परामर्श किया जा रहा है नेफ्रोलॉजिस्ट द्वारा। तो हमने ये रविवार बिल्कुल निःशुल्क रखा है उनके परामर्श के लिए, उनकी दवाइयों के लिए व उनकी